नमस्कार, आज का विषय है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चक्रीय यौगिकों की चक्रीय संरचना में यदि सभी परमाणु समान है, अर्थात सभी सदस्य कार्बन परमाणु हो, तो वे यौगिक समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी चक्रीय यौगिक की चक्रीय संरचना में कार्बन के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अन्य परमाणु हो, तो ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ऐसे स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु हो और जिनमें एरोमेटिक गुण हो, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। वैसे तो कार्बन के अतिरिक्त कोई भी विषम परमाणु हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के परमाणु अधिक सामान्य हैं। चूंकि 5 तथा 6 सदस्यों वाली वलय सबसे अधिक स्थायी होती हैं, अतः 5 एवं 6 सदस्यों वाली वलय युक्त संरचना वाले विषम चक्रीय यौगिक अधिक सामान्य होते हैं। उदाहरणार्थ फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल, पेरिडीन इत्यादि। नॉमनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सामान्य विषम चक्रीय यौगिक तो अपने रूढ़ नामों से ही जाने जाते हैं, किंतु विषम चक्रीय यौगिकों के विषय में अधिक जानकारी के बाद इनके IUPAC नामकरण का ही महत्व हो गया है। विषम परमाणु ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का पूर्व लग्न ऑक्सो, सल्फर का थाया, नाइट्रोजन का एजा होता है। यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न विषम परमाणु हो, तो उनको इंगित करने का क्रम इस प्रकार होता है कि सबसे अधिक प्रायिकता उस परमाणु को दी जाती है जो आवर्त सारणी में उच्च समूह का हो। उदाहरणार्थ यदि किसी विषम चक्रीय यौगिक में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन विषम परमाणु हो, तो ऑक्सीजन आवर्त सारणी के वर्ग 16 का सदस्य होने के कारण नाइट्रोजन से अधिक प्रायिकता वाला परमाणु होगा। अतः यौगिक का नाम होगा ऑक्साजोल। यदि दो भिन्न परमाणु समान समूह के हो, तो प्रायिकता उस परमाणु को देते हैं जो कम परमाणु संख्या वाला होता है। उदाहरणार्थ यदि किसी विषम चक्रीय यौगिक में सल्फर तथा ऑक्सीजन हो, तो कम परमाणु क्रमांक वाले ऑक्सीजन परमाणु को प्रायिकता दी जाएगी और यौगिक के नाम का पूर्व लग्न ऑक्साथाया हो जाएगा। अतः प्रमुख विषम परमाणुओं की प्रायिकता का क्रम निम्न होगा: ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकन इत्यादि। वलय में परमाणु की या सदस्यों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने के लिए नाम के मध्य मुख्य भाग में सल्फर, नाइट्रोजन लगा दिया जाता है। अगर सल्फर लगाया गया है तो नाम हो जाएगा थायोल। अगर नाइट्रोजन लगा दिया गया है 6 मेंबर रिंग में, तो उसका नाम एजीन हो जाता है। वलय संतृप्त है अथवा असंतृप्त, इसके अनुसार अनुलग्न लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। वलय संतृप्त है अथवा असंतृप्त, इसे एक अन्य विधि द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जिसके अनुसार पूर्व लग्न में डाइहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो जितने भी द्विबंधों के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों, उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संतृप्त वलय को पर हाइड्रो पूर्व लगाकर भी प्रदर्शित किया जाता है। जो स्थितियां संतृप्त हैं, उन स्थितियों की संख्या लिखकर उसके आगे प्रतीक H लगाकर भी वलय की संतृप्तता को प्रदर्शित किया जाता है। यदि एक चक्रीय यौगिक में एक ही विषम परमाणु हो, तो उस परमाणु को नंबर 1 दिया जाता है। यदि समान विषम परमाणु एक से अधिक हो, तो अन्य विषम परमाणुओं को न्यूनतम संख्या दी जाती है
और यदि एक से अधिक असमान विषम परमाणु हो तो सबसे अधिक प्रायिकता परमाणु को नंबर एक दिया जाता है और उससे कम प्रायिक परमाणु को न्यूनतम संख्या दी जाती है। सिंपल फाइव मेंबर्ड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इस श्रेणी के तीन प्रमुख यौगिक हैं थायोफीन, फ्यूरान व पायरॉन। थायोफीन जिस फाइव मेंबर्ड रिंग में सल्फर होती है, फ्यूरान फाइव मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन होती है, पायरॉन फाइव मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन मध्य में पाई जाती है। वलय का अंकन करने में विषम परमाणु को न्यूनतम अंक दिया जाता है और विषम परमाणु की निकटवर्ती स्थितियों को अल्फा एवं उसके बाद वाली स्थितियों को बीटा कहा जाता है। इनके मूलकों का नामकरण इस प्रकार किया जाता है, थायोफीन फाइव मेंबर रिंग में मध्य में लगाई जाती है, इसी तरीके से पायरोल में नाइट्रोजन मध्य में लगाई जाती है, इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाने के सामान्य विधियां। पांच सदस्य वाले विषम चक्रीय यौगिकों को बनाने के लिए 1,4-डाइकार्बोनिल यौगिकों को काम में लिया जाता है। इनके सामान्य लक्षण, ये रंगहीन द्रव होते हैं, फ्यूरान थायोफीन व पायरोल के क्वथनांक क्रमशः 32 डिग्री, 84 डिग्री व 131 डिग्री होते हैं। पायरोल के उच्च क्वथनांक का कारण संभवतया अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से उत्पन्न संघनन होता है। धन्यवाद।